हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम होमोस्टेसिस द स्टडी स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है सीबीएसई के बच्चों के लिए, जिनके पास एनसीईआरटी बायोलॉजी ले रखे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके सिलेबस में होमोस्टेसिस द स्टडी स्टेट है, तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम का जो है डोज आप तक पहुंचेगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत काफ़ी आपको सक्षम बनाएगा समझने के लिए। तो इसलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही डोज लेके आता है। इस चैप्टर में जो है हम कई रूपों में जो है थर्मस रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कीपिंग स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पर। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिक्त रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवाद ही रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ, प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों का, प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is mechanism of the homeostasis of the body temperature. Friend, here is the most important topic here, mechanism of homeostasis of body temperature, a thermoregulation in humans. There is a normal core of body temperatures, you know. The starting point in the any homeostasis is the identification of its state or normal point. The set of point of human body temperature is taken as 37 Celsius, which is also is called a normal or core body temperature. The core body temperature referred to be a temperatures of the combined and the portion of the tongue, the head, upper part of arms and the leg. Our body temperature otherwise are not uniform throughout. There is the most important things here. The surface of skin temperature usually lowest, but it's a various considerables due to the variety of external and internal conditions. They depend upon the internal and external conditions. The rim of the usually record 1 degree less than the temperature inside the mouth. The anal temperature is 1 degree higher than to the core body temperature. In a very young children, in the clinical thermometers is a place inside the anus and there is a temperature recorded is reduced by 1 degree to the SS if the child is having any fever. For all practical use of purpose, the oral mouth and the temperature taken as a normal body temperature will be usually 37 Celsius plus minus 0.5. There is a body normal temperature in human beings. Whenever the core body temperature depth from to normal, the body taken to the correctively measuring. For example, if the temperature fall, there is an increasing heat production in the body as along with the prevention of the heat loss. And
इफ बॉडी टेम्परेचर अराइज देयर इज कूलिंग टू गिव आउट एक्सेस हीट यू विल बी रेडी अबाउट देयर सच स्टेप्स इन मोर डिटेल्स और नेक्स्ट ऑप्शन। कहते हैं दोस्तों मानव में शरीर के तापमान का समस्थापन करना यानी थर्मोरेगुलेशन तापमान नियमन की क्रियाविधि अपने जगह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है क्योंकि इससे जो होता है हमारे बॉडी रेगुलेशन काफ़ी मेंटेनेंस होती है। कहते हैं शरीर का सामान्य तापमान जो होती है जिसको आपको नॉलेज भी है कितना होता है अगर हम फेरनहाइट में देखें तो कितना होता है 97.8 होता है लेकिन वही सेल्सियस में देखें तो 37.-5 हो सकता है तो ये सेल्सियस में रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है बहुत से बच्चों को तो ये भी नॉलेज नहीं होता कि हम टेम्परेचर सेल्सियस में देख रहे होते हैं कि फेरनहाइट में देख रहे होते हैं तो ये बहुत ही विचित्र घटना होती है। मैं कई बच्चों से पूछता हूँ कि आपका टेम्परेचर क्या है तो वो क्या करते हैं 97 सेल्सियस बोलते हैं जबकि ये बात गलत है। 97 जो होता है फेरनहाइट में होता है या 98.7 जो होता है फेरनहाइट में होता है ना कि सेल्सियस में होता है। आप कहते हो कि 101 बुखार है तो अगर पूछेगा सेल्सियस या फेरनहाइट तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे आप जनरली बोलोगे सेल्सियस जो कि सही नहीं है। हमारा जो है सेल्सियस में हमेशा जो है 37.6 जो होता है प्लस माइनस रह जाता है इतना ही टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर रहता है नॉर्मल व्यक्ति का तो ये सेल्सियस में आता है। तो ये बातों को आप ध्यान रखना जब भी आप किसी को टेम्परेचर बताओगे क्योंकि आप मुझसे जुड़ चुके हो इसलिए आपको इस नॉलेज का जो है सही इन्फॉर्मेशन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं शरीर का सामान्य तापमान जो है किसी भी समस्थापन के आरंभिक बिंदु होती है कि हम उसके निश्चित या सामान्य बिंदु का पता लगाएं। मनुष्य के शरीर के तापमान बिंदु के जो है 37 सेल्सियस माना जाता है यानी 37 सेल्सियस जो है जनरली होती है जो उसके शरीर का सामान्य अथवा कोर तापमान भी होता है। शरीर के कोर तापमान का अर्थ यही है उसके धड़ सिर भुजाओं और टांगों के मिलते जुलते भागों का तापमान अन्यथा हमारे शरीर का तापमान सभी अंगों में एक सामान्य नहीं होते हैं। ये शायद आपको पता न हो कि हमारे जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जो है आप मेजरमेंट कर सकती हो। कहते हैं हमारी त्वचा की सतह पर तापमान आमतौर पर सबसे कम होती है यानी त्वचा पर जो होती है सबसे अधिक कम होती है टेम्परेचर लेकिन विविध बाहरी और आंतरिक परिस्थिति के कारण उनमें भी काफ़ी हद तक विविधता पाई जाती है। मुंह के तापमान की तुलना में बगल का तापमान आमतौर से 1 डिग्री कम होती है क्योंकि मुँह का तापमान जो होता है थोड़ा सा अधिक होता है। गुर्दा का तापमान शरीर के कोर तापमान से 1 डिग्री अधिक होती है। बहुत छोटे बच्चों में डॉक्टरी थर्मामीटर गुर्दा के भीतर लगाया जाता है और बच्चे के बुखार का पता लगाने के लिए उसे 1 डिग्री कम कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हमारे बॉडी टेम्परेचर जो है डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट होती है क्योंकि आपको एक बात पता ही होगा कि सभी ऑर्गन जो है अपने अपने टेम्परेचर पर ही कार्यशील होते हैं। अगर टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं होगा तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो कार्य करना बंद कर देंगे इसलिए बॉडी के अलग अलग पार्टों में अलग अलग टेम्परेचर जो है आप माप सकते हो। कहते हैं सभी जो व्यवहारिक मामलों में अगर मुख के तापमान को ही शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है तो वो जो है 37 सेल्सियस जिसमें आप प्लस माइनस जो है 5 कर सकते हो यानी ये तो हो सकता है कि थोड़ा सा 5 पॉइंट जो है 5 अधिक भी हो 0.5 कम भी हो तो इसके लिए कोई दो राय नहीं है। कहते हैं जब भी शरीर का कोर तापमान सामान्य से कम या अधिक होता है तब शरीर उसे ठीक करने का उपाय भी करता है। ये बात जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए कि बॉडी जो है हमें दवाई लेने से पहले ही हमें मेंटेनेंस करने की कोशिश करती है और जो है तापमान रेगुलेट करने की कोशिश करती है। कहते हैं जो व्यक्ति जो है दवाई अधिक सेवन नहीं करते हैं जिनका ह्यूमन सिस्टम तगड़ा होता है उनका बॉडी जो है स्वयं ही कई बीमारियों से फाइट कर सकता है लेकिन जिनका ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर है जो बीमार रहते हैं जो खाना सही से नहीं खा पा रहे हैं तो उनका जो है ह्यूमन सिस्टम कमज़ोर होगा और वो बीमारी के शिकार कंटिन्यू बने रहेंगे। तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है जो कि मान्य भी है और सही भी है। कहते हैं यदि तापमान गिरने लगता है तो ताप क्षय के रोकने के लिए साथ साथ ताप उत्पादन भी बढ़ जाता है। अगर आपको पता होगा कि जैसे ठंड का मौसम आने लग जाता है अगर आप स्वेटर भी ना पहनो फिर भी हमारे बॉडी जो है अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करने लग जाता है और इसके लिए वो हीट प्रोड्यूस करता है। अगर ऐसा अनुभव नहीं किया है तो अभी समय आपका है अनुभव करने का अनुभव आप कर सकती हो क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि तापमान बढ़ने लगता है तो ताप की आंतरिक मात्रा को बाहर निकाल कर शरीर को ठंडा करने का उपाय भी शरीर सोचता रहता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है
आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल न करके भी शरीर जो है अपने आप को कूल और ठंडा रखने की कोशिश करता है और सारे अंगों सुचारू रूप से कार्य करने में अपना विशिष्ट योगदान देता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों, ये जो होता है शरीर स्वयं ही अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। कहते इन उपायों के बारे में जो है आगे हम बहुत विस्तार से जानेंगे जब आप अगला जो है 9 चैप्टर देखोगे, 19 चैप्टर, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दवन नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन। फ्रेंड, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन? तो हियर द प्रिंसिपल ऑफ हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ लुकलाइड इन द हाइपोथैलेमस अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन। दिस पार्ट एक्ट लाइक अ थर्मोस्टेट। देयर इज अ फोरब्रेन इज ऑल्सो नोन एज अ थर्मोस्टेट बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द लाइक अ थर्मो स्टेट इज अ फोरब्रेन। वेन द बॉडी हैज टू फेस कूलिंग बिलोंग टू द नॉर्मल टेम्परेचर, इट अ स्विच इज ऑन एट स्पीड ऑफ द हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस एंड सिमिलिस इज अ शॉर्ट ऑफ द हीट लूजिंग वंस। एंड वेन द बॉडी फेस ओवर हीटिंग ड्यूरिंग टू समर एंड आफ्टर द इंटेंस फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज एक्सेलरेट द कूलिंग प्रोसेस एंड स्विच ऑफ देयर हीट प्रोड्यूसिंग वंस। The here is a force processing is the keeping warm in a cold weather. There is a keeping warm in a cold weather. Here thermoregulation is a cold weather is achieved in the two way. A preventing loss of body heat and generate to more body heat. This is the first one is a prevention loss of body heat. This is achieved on two way. Is a vasoconductions. Vasoconductions is a vasoconductions mean to the arriving to the blood vessels as a figures and as a result of the vasoconstriction is the skin. The blood supply to the skin is reduced and there is a less loss of heat by the convention on conductions and radiations. And with the reduced the blood supply to the sweat gland is the skin. There is a less or no secretion of the sweat and thus there is no evaporation of water and no loss of heat. And however, observe that every cold weather you look pale, wallish. This is due to reduced blood supply to the skin causing by the vasoconstrictions. Vasoconstriction is most important for here and by posture. In the time when you feel a cold, we hold our arm close and fold it tightly over to the chest while the standing and sitting is the most important here. And there is a posture of our body. And while the sleeping is bad, we often folded our arm and the leg closely folded near the body in the cob posture. There is a most important there are the sleeping on the cool time. There is a cold weather is your posture are curves like. There is a body is a curve like sleeping on the bed. And so the posture reduce exposed body surface for heat radiations. And second is generating more body heat. The metabolic rate is increasing and more heat is produced in the body cell. The muscular activity is also increased, which is there sometime in the form of swings. And keeping cool in hot weather. There is the most important keeping cool in a hot weather. When to outside temperature is high or when to the person is engaged in the stamina of physical work, there is a overproduction of heat within the body. The extra heat is given out of two principal ways. The first way is increasing heat radiation from a body. This means this is both about the increasing the blood supply to the skin through the vasodilations and veins of the blood vessels. The increasing blood flow into the skin allow a more heat to reach the body surface and radiate out of heat and given the figure. And second is increasing a sweating. Friend, the second way it is increasing a sweating on increasing a blood supply to the skin through the vasodilations and make a more water available to the sweat gland. There are pour about more sweats and there are evaporate of sweats cool to the body. We often speed of evaporation of the sweat is using to fan. The fan by the itself do not cool their air. It is a movement of air through the increasing evaporation of the sweat to produce more cooling.
Here show the diagram, the blood vessel in the skin during temperature regulations and the first vasoconstriction of cutting down to the heat loss. There is a less and heat radiated and there are vasocontractions here and vasodilations means to the much heat is radiated. There is a two condition of the blood vessel skin during the temperature regulation. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ताप निमन क्रियाविधि। देखिए ताप निमन क्रियाविधि क्या होती है, आखिर इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है। कहते हैं ताप निमन का जो प्रधान केंद्र जो है शोषक यानी हाइपोथैलेमस होती है जो हमारी अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह भाग जो थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। देखिए दोस्तों आप तो कहते होगा कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं लेकिन हमारा शरीर जो है उन चीज़ों से भी आगे है। कहते हैं कि अगर आपका जो अग्र मस्तिष्क होता है वो जो होता है एक थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है यानी आपको जो है गर्मी देने के लिए ये कार्यशील होता है। तो देखिए आपके सोचे हुए ही जो हमारा शरीर जो है पहले ही थर्मोस्टेट के कार्य करता है। शायद ये बात आपको पहले मालूम नहीं था क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता ही नहीं था कि अग्र मस्तिष्क जो होती है एक थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है। तो कभी कहते हैं ना जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा और समझना तब होता है जब इस वीडियो को और भी बच्चों तक पहुँचाते हो क्योंकि जैसे आपको पता लग चुका है कि हमारा जो है अगर मस्तिष्क जो होती है वो थर्मोस्टेट की तरह कार्य करता है वैसे ही मैं चाहता हूँ कि जो भारत के बच्चे हैं भारत के नागरिक हैं जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं उनको शरीर के बारे में हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो और ये तब संभव होगा जब मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगा और इसका जो है जरिया आप बन सकते हो। ठीक है अगर आप त्रिपान सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हो और इसके साथ और अच्छा करना चाहते हो तो वीडियो को जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाओ और दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में जो है त्रिपान सेंटर का हेल्प करो। देखिए दोस्तों हेल्प करना कोई बुराई नहीं है ये जो है जग कल्याण की तरह होता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्तियों को सही नॉलेज के साथ आगे जो है हमारे भारत का विकास में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दे। कहते हैं जब तक भारत के व्यक्ति जो है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक जो है हमारा समाज और हमारा जो है भारत अग्रसर नहीं होगा ये विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा। और ये तब होगा जब आप एजुकेट हो गए अच्छा समझ होगा अच्छे नॉलेज के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे और ये तब होगा जब अच्छा शिक्षा मिलेगा। लेकिन कहते हैं आपको पहला नंबर तो जाते हो स्कूल में मैडम इंग्लिश में बोलती है आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता है कि मैडम बोल क्या रही है समझा क्या रही है चाहे टीचर बोल क्या रहे हैं समझा क्या रहा है। तो इस पे बेस जो है इसे त्रिपान सेंटर जो है हिंदी और इंग्लिश में जो है समझाने की कोशिश करता है और हिंदी में जो है वेरी नोट आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है और मैं चाहता हूँ कि आपके जरिए जो है ये वीडियो दूसरे बच्चे तक पहुँचे और वो बच्चे जो हो लाभान्वित होएं। तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने की आवश्यकता है। अब देखिए मैं यही क्यों कहता हूँ कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, मैं ये क्यों नहीं कहता हूँ कि आप जितना हो सके। देखिए दोस्तों मैं इतना ही चाहता हूँ कि थोड़ा सा तकलीफ करो कि जैसे ही वीडियो देखो समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप लिंक को कॉपी करो और जर्नली सी बात है व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दो। जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ ज्ञान की बातें लगाते हो कुछ पढ़ने वाली बातें लगाते हो तो दूसरे बंदे जो देखने वाले हैं वो भी आपको अच्छा समझते हैं। ठीक है आपके अच्छे करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि कारण ये होता है कि आपने एक शिक्षा की बातें जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया है और वही लगा दो गाने का सैड सॉन्ग का दिल टूटे हुए गाने का तो बंदे भी आपको उसी प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि बंदा जो है किसी ने दिल तोड़ दिया है ये पढ़ने में नकारा कर रहा है। अगर आपके माता पिता भी देखेंगे तो यही कहेंगे ये पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है दूसरे चक्रों में पड़ा हुआ है। तो देखिए कितना बदनामी हो सकती है आपको इस चीज़ों से लेकिन इससे कोई बदनामी नहीं होगी इससे जो है व्यक्ति आपको अच्छा ही कहेंगे और आपका तारीफ भी होगा कि इसके वजह से जो है मुझे एक वीडियो मिला जिसमें मैं काफ़ी बातों को समझ सका। तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सोचिए नहीं विचार ना कीजिए क्योंकि जिस प्रकार जो है हमारा अग्र मस्तिष्क थर्मोस्टेट के काम करता है आप भी त्रिपान स्टडी सेंटर के लिए दूसरे हाथ की तरह काम कीजिए। अभी कॉपी कीजिए और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों ये तो था आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है जिस प्रकार हमारा अग्र मस्तिष्क जो है थर्मोस्टेट की भांति कार्य करता है वो भी इसके लिए बहुत ही विशिष्ट और इम्पोर्टेंट बात रखता है। कहते हैं जब भी हमारे शरीर का तापमान सामान्य से कम होता है तब यह ताप उत्पन्न प्रक्रिया को आरंभ कर देता है। ठीक है देखिए दोस्तों ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे हमारे शरीर में ताप प्रक्रिया कम होती जाती है वैसे ही ये अपना प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है यानी कहती है कि आपका शरीर ठंडा हो रहा है
आप जल्दी फटाफट उसको थर्मोस्टेट की भांति करे करो। तो आप कपड़ा चाहे पहनो चाहे ना पहनो, कम पहनो ठीक है, या सर्दी वाले कपड़ा ना पहनो, फिर भी हमारा बॉडी जो है कुछ हद तक आपको जो है वार्म रखेगी और कुछ हद तक आपको काफ़ी सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करेगी। क्योंकि रीजन से ये भी होता है ना कि हमारा बॉडी रेगुलेट करती है भोजन से, और भोजन तो आप 24 घंटे खाते ही नहीं रहते हो, तो जितना आपको एनर्जी मिला होगा उतना ही वो बॉडी जो है अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं जब तीव्र कर देता है और साथ ही साथ जब ताप क्षय यानी प्रक्रिया अगर कम जाता है तो ये बंद भी कर देती है, यानी जैसे जैसे प्रक्रिया होती है वैसे वैसे ये जो है कार्य करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, अगर तापमान कम हो जाती है तो वो जो है आराम कर देती है अपने थर्मोस्टेट की, जब तापमान बढ़ जाता है तो वो बंद कर देती है। जब भी हमारे शरीर का तापमान गर्मियों में या फिर अधिक शरीर व्यायाम करने पर अधिक गर्म होने लगता है तब वह शीतलन प्रक्रिया के तेज कर देती है और ताप उत्पादन प्रक्रिया को बंद कर देती है। तो देखिए ये सारे चीज़ें जो है कितना यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसी बात को जो है हम अलग अलग बातों से देखेंगे कि सर्दियों में गर्म करना, देखिए आखिर सर्दियों में जो है हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सर्दियों में हमारा बॉडी जो है किस प्रकार रिएक्शन करता है और हमें किस प्रकार जो है सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। कहते हैं सर्दियों में ताप निमन दो प्रकार से होती है, शरीर के ताप क्षय को रोक कर और शरीर के ताप का उत्पाद अधिक करके। देखिए दो काम होती है, अगर आपके शरीर जो है हीट लॉस हो रहा है तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको ताप को क्षय को रोक देगा, यानी आगे जो है आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देगा, शरीर के ताप का उत्पादन अधिक कर देगा, यानी हमारे बॉडी के जो मेकानिज़म्स हैं वो क्या करेगा फटाफट जो है आपके लिए एनर्जी बनाएगा, चाहे वो फैट पिघल के बनाए चाहे जैसे मर्जी बनाए, आपको शरीर के जो है सुरक्षा प्रदान करना ही हमारे शरीर का मेकानिज़म्स होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। कहते हैं शरीर के ताप क्षय को रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण बात माना भी गया है। ये दो प्रकार से कार्य करता है, शरीर का ताप क्षय रोककर और तापमान बढ़ाकर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा शरीर का जो क्षय को रोककर और तापमान बढ़ाकर। इसमें पहला अगर पॉइंट देखोगे तो वाहिका संक्रियण यानी जो है वैसा को कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है ना, इसको हम वाहिका संक्रियण कहते हैं हिंदी में, यानी बस को कॉन्स्ट्रेक्शन कहते हैं। वाहिका संक्रियण का अर्थ है दोस्तों कि रुधिर वाहिकाओं का सकड़ा होना, संकड़ा होना यानी बहुत ही तंग होना, इसका मतलब है रुधिर वाहिका। देखिए रुधिर वाहिका का मतलब है नब्ज की बात कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ से रुधिर बहता है, ठीक है, वो संकड़ा हो जाता है। तो अच्छा वाहिका संकड़ने के कारण क्या होते हैं, अब देखिए संकड़ा हो जाने के कारण क्या होता है, बहुत ही तंग होने के कारण क्या होता है, पहला कारण तो यही बनता है कि त्वचा का रुधिर संवहन कम हो जाता है। देखिए संकड़ा हो जाएगा, रास्ता अगर कम हो तो उसमें कम ही लोग पास होंगे ना, तो वही बात यहाँ ब्लड के भी आता है, अगर रास्ता तंग हो जाते हैं तो बहुत ही कम रूप में जो है ब्लड संवहन करता है। और ये कब होता है, जब आप फैटी खाना खाते हो, आप अगर फैट के खाना खाते हो तो वो सारे हमारे नब्ज में जाके फैट के रूप में बैठ जाता है, जहाँ से ब्लड पास होना उसके लिए संभव नहीं होता है, और इसी कारण से भी हार्ट अटैक भी आती है व्यक्तियों में। कहते त्वचा का रुधिर संवहन कम हो जाता है और संभवतः चलन और विकिरण द्वारा होने वाले क्षय ताप क्षय कम होता चला जाता है। त्वचा की श्वेत ग्रंथि का रुधिर संवहन कम हो जाने पर पसीना कम आता है। देखिए अगर श्वेत ग्रंथियां जो होती है हमारा श्वेत ग्लैंड, अगर वो रुधिर संवहन हो जाता है तो वो भी पसीना कम आता है, क्योंकि वो भी ब्लॉक हो जाता है या रुक भी जाता है, और इस प्रकार जल का वाष्प नहीं होता है और ताप क्षय रुक जाता है। अब देखिए शरीर कितनी मेकानिज़म करती है हमारे शरीर को बचाने के लिए। कहते हैं क्या कभी आपने देखा है कि बहुत सर्दियों में आपके शरीर का रंग फीका या नीला सा पड़ जाता है, ये तो आपने भी देखा होगा सर्दियों में जो है पीला सा पड़ जाता है या फीका हो जाता है, वो वाहिका संक्रियण के कारण त्वचा का रुधिर संवहन कम होने जाने के कारण होता है, यानी शरीर में जो होता है ब्लड जो सप्लाई होती है वो कम होने लग जाता है, जिसके वजह से जो हमारा शरीर जो होता है पीला पड़ जाता है यानी वाइट पैल कलर्स के हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है। आगे है इसका दूसरा पार्ट अगर देखोगे तो उसमें बताया गया कि विशिष्ट मुद्रा, अब मुद्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आपने देखा होगा कि जैसे आपको सर्दी लगता है आप दोनों हाथों के हथेलियों को रगड़ने लग जाती हो, ऐसा हुआ है, अधिक ठंडा लगने पर आप कभी कभी खड़े होने पर या बैठने पर अपनी भुजाओं को सीने के ऊपर कस लेते हो, यानी दोनों हाथों को जो है भुजाओं को अपने सीने के पास लगा लेते हो। तो ये सारे हमारे शरीर क्रियाएँ हैं, ये आप चाह के न चाह के भी आप करोगे, क्योंकि शरीर ऐसा कह रहा है, ठीक है। बिस्तर में लेटते समय आप वक्र भगवान के अपने हाथ पैरों को शरीर के सटा कर जो है सिकोड़ लेते हो, आपने देखा ही होगा कि अब जब भी आप सोने जाओ ठंड के महीने में तो आप सीधा नहीं सोते हो,
ये आप नोट करना, आप सीधा नहीं सोते हो, अब अपने आप को कप बना लेते हो, आपके जो घुटने होते हैं पेट के पास आता है, यानी कप शेप बन जाते हो। कारण यही होता है कि हमारे शरीर को जो है पैरों तक भी गर्मी पहुँचे, हमें ठंड न लगे। अब देखो चाहो चाहे ना चाहो ये क्रिया होती ही होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर का फिनोमोन है, इसको बदला नहीं जा सकता। मैंने आपको कहा था ना कि शरीर हमारा स्वयं ही प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है कि सभी कार्य करने के लिए सुचारू रूप से रहता है, अग्रसर रहता है। हमें इसमें कराने की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं ही हो जाती है। जैसे कि आपको मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि आपको व्हाट्सएप पर लगाना है, जो बच्चे पढ़ते वो फटाक से लिंक करेंगे कॉपी और लगा देंगे। तो ऐसा ही होता है कि इसमें बोलने की जरूरत नहीं होती है कि बार बार बोलते रहो, बार बार आपको कहते रहो। यहाँ पर जो होता है, जैसे शरीर होती है, ये अपना आप जो है उद्दीपित हो जाती है अपने कार्य करने के लिए ना, ये खुद ही अग्रसर हो जाती है कि हमें ऐसा करना है। आप अगर नहीं चाहोगे फिर भी ऐसा होगा। तो यही बात जो है हमारा विशेष मुद्राओं के द्वारा जो है आप अपने शरीर को गर्म रखने की कोशिश करते हो। उसके बाद कहते हैं शरीर से अधिक ताल उत्पन्न करना। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि हमारे शरीर जो है शरीर से अधिक तापमान उत्पन्न करने लग जाता है। कहते हैं ऊंचाई दर बढ़ जाती है और शरीर की कोशिकाओं में अधिक ताप उत्पन्न होने लगती है। पेशियों क्रिया भी बढ़ जाती है, जो कभी कभी कपकपी के रूप में देखी जा सकती है। यानी आप जब कपकपी करते हो, इसका मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो पेशियाँ होती है वो क्रिया उनकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें हीट नहीं मिल पाता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा, याद करो थोड़ा सा, सर्दी का समय जब भी आप भोजन कर लेते हो, जैसे ही भोजन आप ख़त्म कर लेते हो वैसे ही आपको ठंड लगना स्टार्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो शरीर में आपको गर्मी पैदा करने वाले जो है मैकेनिज्म कार्य कर रहा था, वो क्या हुआ? वो रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने भोजन जो ग्रहण कर लिया, अब उसको पचाना भी तो पड़ेगा और एनर्जी चाहिए ना, तो वो जो गर्म आपको बॉडी कर रहा था ना, वो खाना पचाने के लिए दौड़ गया कि भाई मुझे उसको खाना को पचाना है और जल्दी जल्दी मुझे एनर्जी बॉडी को देना है। तो इसीलिए आपको क्या लगता है, जब खाना खा लेते हो ना तो कुछ समय आपको ठंड लगने लग जाता है और फिर दोबारा क्या होता है, यही मेकानिज्म फिर से तो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे एनर्जी बना के आपको फटाक से आपको बॉडी को देता है और आपको गर्म महसूस होने लग जाता है। ठीक है, ये बात आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे प्रक्रिया भी होती है। तभी कहता हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट गहराई वाली बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो, शायद बड़े बड़े लोगों को भी ये मेकानिज़म्स नहीं पता होते हैं। तो आप ऐसी बात जब बताओगे किसी को तो वो भी हैरान होंगे कि ऐसे भी मेकानिज़म्स हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक है, जो पहली बार मैंने सुना है। तो ऐसा ही होता है। अब देखिए, जब गर्मियों में ठंडा रखना, यानी गर्मियों में जो है कैसे हमें बॉडी ठंडा रखता है, वो तो हम गर्मियों के सर्दियों के बारे में पढ़ रहे थे। अब गर्मियों में हमारा बॉडी का मेकानिज्म भी बहुत विशिष्ट रूप से कार्य करता है। कहते हैं जब वातावरण का तापमान अधिक हो जाता है या फिर व्यक्ति अधिक शारीरिक मेहनत कर रहा होता है, तब शरीर के भीतर ताप का उत्पादन अधिक हो जाता है और इसके अतिरिक्त ताप के दो प्रमुख तरीकों से बाहर निकाला जाता है। देखिए, दो तरीकों से जो है गर्मी को बाहर बॉडी से निकाला जाता है। अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमें जो है काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो पहला तो यही होता है कि शरीर से ताप जो है विकिरण की विधि में वृद्धि में, यानी देखिए जो है शरीर के ताप विकिरण में वृद्धि कर देता है। यह प्रक्रिया वाहिकाएं और विस्फोरण रुधिर वाहिकाओं का चौड़ा हो जाने होता है, यानी हमारा रुधिर जो होता है चौड़ा हो जाता है। जो त्वचा में रुधिर के बढ़ते हुए बहाव के कारण जो रुधिर अधिक मात्रा में शरीर की सतह पर पहुँच जाता है और विकिरण द्वारा जो है उष्मा बाहर निकाल देता है। तो ये भी ठंडा करने का एक तरीका होता है। उसके बाद स्वेदन यानी स्वेटिंग में वृद्धि। आपको पता ही है कि गर्मियों में पसीने हमें बहुत आती है। कारण यही होता है कि हमारे बॉडी को जो है 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर ये 37 सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो आपने एंजाइम के बारे में भी पढ़ा है जो कि ये नष्ट हो जाता है। अगर नहीं पता है तो इसके जो है पहला पार्ट जरूर देखिए। ठीक है, 18वां चैप्टर को जो है पहला पार्ट जरूर देखिए, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है हमारा एंजाइम बढ़ते और घटते तापमान की वजह से नष्ट हो जाते हैं, तो इसकी विस्तार से उसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो यही बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है कि त्वचा में बढ़ते हुए समय जो है श्वेत ग्रंथि को अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो जाता है, इसमें अधिक पसीना निकलता है और पसीने के वर्षोजन होने से शरीर ठंडा महसूस करता है। वर्षोजन प्रक्रिया को पंखे के नीचे बैठकर अधिक बढ़ा दिया जाता है। देखिए, जब आप पंखे में बैठते हो तो आपको क्या लगता है कि आप हवा ले रहे होते हो, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो जो पसीना से आपको बेसिकली हवा लग रहा होता है, लेकिन वहाँ पर जो होता है पसीने के कारण वर्ष उत्सर्जन जो होती है वेपरेशंस वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपको ठंडक महसूस होती है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है।
जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। तभी जो होता है, हम जब हवा करते हैं जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा उतना ही आपको कूल महसूस होगा। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को पंखे के नीचे बैठकर अधिक बढ़ जाती है और पंखे स्वयं हवा को ठंडा नहीं करते हैं। याद रखना, पंखे चलने से हवा स्वयं ही ठंडा नहीं होता है, बल्कि वायु में गति होने के कारण पसीने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है और जो है हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा नहीं, आपको ठंडक महसूस नहीं होगा। यहाँ पर दो डायग्राम दिखाया गया है जिसको आप इसको भली भांति समझ सकती हो। एक में जो है तापन नियमन के दौरान त्वचा के रुधिर वाहिकाओं में क्या प्रभाव पड़ती है उसके विषय में है, और दूसरा जो है ताप क्षय कम करने के लिए जो है किस प्रकार होगा और ताप क्षय को बढ़ाने के लिए क्या होगा। देखिए, पहला जो डायग्राम है हमें वाहिकाएँ संकीर्ण है, यानी ताप क्षय को कम करने के लिए ये तरीका बताई गई है, जिसमें काम जो है कम ऊष्मा विकसित हुई है और धमनिकाएँ सिकुड़ती चली जाती है। देखिए यहाँ पर जो है धमनिकाएँ सिकुड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कम रुधिर प्रवाह करती है। ये जो है ताप क्षय कम करने के लिए होता है या गर्मी को बाहर निकालने से रोकने के लिए होता है, और ये वाहिका विस्फारित यानी ताप क्षय को बढ़ाने के लिए होता है, यानी गर्मी हीट बढ़ाने के लिए होता है। इसमें धमनियाँ जो है फैल जाती है, देखिए धमनियाँ यहाँ फैली हुई नज़र आ रही है, और अधिक रुधिर प्रभाव बढ़ जाती है। तो इससे जो है हमारा सारा मैकेनिज्म्स होती है, जो कि डायग्राम में भी बहुत बातें समझाने की यहाँ पर कोशिश किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ हेमोस्थेसिस। फ्रेंड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंपोनेंट ऑफ होमोथेसिस मीन्स हेमोथेसिस ऑफ एनी काइंड इन्वॉल्व फोर कॉम्पोनेंट। There is a four component of homothesis. Is a first is a set point or the norms, means this is the normal level of any factor in the body. There a set point may be have a small or large range. For example, the normal set point of human body, a temperature is a approximately 37 Celsius, with a 0.5 is a plus minus also. And second is a sensor. Sensor means this consists of sensor part, the perceive of the change in the set point. The sensor is the thermoregulation comprise the heat receptor in their skin, and hypothalamus the part of the brain which perceive their temperature of flowing blood. There is most important for here integrating center. There integrating center here is the third point. The integrating center is the part which receive the information about the change the set point of particular state, interpret it's on then send to the command for the corrections in the thermoregulation. There a integrating center is a hypothalamus plus some adjoining part of the brain. It's most important for integrating center. And fourth is a effector. Effector means there are effector are agency which act the restore the set point. There is a agency of the restore the set point. Example, sweat gland which is the pour about the sweat to produce cold by the evaporation. I have already discussed on here. And the skin blood vessel which the veteran dies to the wearing more blood to a body surface for radiation out of heat, and skeletal muscles with the various contraction swimming to produce of heat. The flow chart is given here explain different step of thermoregulation in human body. The head is a brain means hypothalamus and brain integrated center. There a brain hypothalamus is detect to the change is the temperature of the body as goes ways to the brain intercenter command for sweating and the vasodilations, and there is ghost base skin sweating as a vasodilations, and there is a cooling and go with temperature return on normal, and there is a the other side is come up to the warming up. Other side see a heat up, there is goes with the normal body model temperature is 7 in human, and there is going go with to the cooling. And there is a cooling of temperature. This goes with to the brain, hypothalamus, brain integrated center command, vasoconstriction and severing. And skin muscle is vasculation and rapidly contraction of muscle severing. There is a flow chart on their processing on the human body. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है, कंपोनेंट। देखिए समस्थापन के जो है संघटक, संघटक कौन कौन से हो सकते हैं समस्थापन के संघटन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रखता है। कहते हैं समस्थापन चाहे वह किसी भी प्रकार का हो, चार संगठन इसके मुख्य माने गए हैं, यानी चार जो है मेन कंपोनेंट माने गए हैं। पहला जो है सामान्य अथवा मानक बिंदु, यानी सेट पॉइंट जिसे कहते हैं। कहते हैं ये शरीर में किसी भी कारण या सामान्य स्तर पर हो सकते हैं।
सामान्य बिंदु के पारस कम या अधिक हो जाता सकता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर के तापमान का सामान्य बिंदु, ये तो आपको पता ही कि 37 सेल्सियस होती है, जिसमें आप प्लस माइनस जो है 0.5 कर सकते हो, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भी लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं संवेदक जो है सेंसर, यह एक जो है संवेदिक भाग होती है जो सामान्य बिंदु में होने वाली परिवर्तन का बोध करा देता है हमें, यानी जो सेंसर, देखिए संवेदक जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर अपना रोल अदा करती है। कहते हैं सामान्य बिंदु में होने वाले परिवर्तन को हमें सदैव ये बोध कराती रहती है। ताप निमन में जो है संवेदक त्वचा और मस्तिष्क के भाग जो है हाइपोथैलेमस में स्थित तापग्राही होते हैं, जो प्रवाहमान रुधिर तापमान का पता लगा लेते हैं। यानी इसका काम जो होता है कैसे बॉडी में जो है तापमान रेगुलेट करना, ये इनको भली भांति आता है। तीसरी बात, यही बात को दर्शाता है कि समकलन केंद्र यानी इंटरग्रेटिंग सेंटर, इंटरग्रेटिंग सेंटर का मतलब यही होता है दोस्तों कि समकलन केंद्र वह भाग होता है जो किसी विशिष्ट स्थिति के सामान्य बिंदु पे होने वाले परिवर्तन का पता लगा लेता है। यानी किसी समय विशिष्ट समय में कहीं भी शरीर में कोई चेंजेस आता है तो इंटरग्रेटिंग सेंटर जो होती है वो उसको पता लगा लेती है। जैसे CID होता है उसी प्रकार जो इंटरग्रेटिंग सेंटर जो होती है CID की तरह ही भांति जो है कार्य हमारे शरीर में करती है, उसे जो है समझ लेता है और फिर उस परिवर्तन को सुधारने के लिए आदेश भेजता है। और ताप निमन में जो है समकलन केंद्र हाइपोथैलेमस और साथ में मस्तिष्क कुछ सीमावर्ती भाग को भी ये सूचना प्रदान करता है। जैसे हमारा शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही होती है वो अपना सुचारू रूप से करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर चौथी बात यही बताती है कि प्रभाव कार्यकर्म इफेक्टर, जैसे इंग्लिश में इफेक्टर कहते हैं, कार्यकर्ता के समाधान होते हैं जो सामान्य बिंदु को पुनः स्थापित करने का कार्य करते हैं। यानी जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम होती है उनको पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। इसमें श्वेत ग्रंथियां आ जाती है जो कि पसीना निकालती है ताकि वसुजन को द्वारा ठंडक उत्पन्न हो सके। अब देखिए कैसे वसुजन करती है, इसके विषय में हम पहले भी चर्चा किए हैं और आपको पता भी होगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है त्वचा की जो रुधिर वाहिकाएँ चौड़ी वाहिकाएँ विवृत हो जाती है, यानी जो आपको पता ही है कि जो वाहिकाएँ होती है रुधिर वाहिकाएँ वो चौड़ी हो जाती है और चौड़ी होने से यानी फैल जाती है, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। ताकि शरीर की सतह के लिए अधिक जो है रुधिर लाया जा सके और विकिरण द्वारा ताप को बाहर निकाल सके। कंकाल पेशी जो बहुत तेज़ी के साथ संकुचित होने लग जाती है, हमें कंपकपी ताकि ताप उत्पन्न हो सके, हमें कंपकपी सी लगती है जैसे ताप उत्पन्न करने के लिए कंपकपी जो है स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ जो है मानव में ताप निमन की जो चरणी दिखाई गई है एक डायग्राम फ्लो के रूप में आपके समय समक्ष जो है प्रस्तुत किया गया है। आप देखोगे तो यहाँ पर दिखाया गया है कि मानव ताप नियंत्रण की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है। ये अगर स्टार्ट मस्तिष्क से करते हो जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, तो शरीर के तापमान में होने वाले परिवर्तन का ये पता लगा लेती है। उसके बाद वो मस्तिष्क को भेजती है जहाँ पर संकुचन केंद्र संवेदन और वाहिकाएँ विसरण के लिए आदेश देना शुरू करता है, और फिर ये त्वचा को जाता है जहाँ संवेदन वाहिकाएँ विसरित होती है, फिर ये शीतलन यानी ठंडक लगती है आपको, फिर तापमान फिर से सामान्य आ जाता है, ठीक है। और आगे जो प्रक्रिया होती है इधर साइड अगर आप देखोगे तो ताप अधिक होने पर मानव शरीर में सामान्य तापमान 37 सेल्सियस रहता है, और जब ये शीतलन ठंडक महसूस करता है तो क्या होता है मस्तिष्क हाइपोथैलेमस तापमान में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने की कोशिश करता है। और यही बात आगे चल जाती है मस्तिष्क समकलन केंद्र के रूप में कार्य करने लग जाती है, यानी वाहिकाएँ संगठित और कपकपी को जो है कमांड करना स्टार्ट कर देता है कि कपकपी करना आपको स्टार्ट करना चाहिए, और त्वचा पेशी वाहिकाएँ कर्णिका की पेशियों को तीव्र संकुलन करने लग जाती है जिससे कपकपी आती है, और यही प्रक्रिया फिर ताप अधिक होने लग जाता है और ताप फिर से सामान्य आ जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपस में जो है एक साइकिल की तरह काम करता है, ठीक है, वो चक्र के रूप में कार्य करता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। दबर नेक्स्ट टॉपिक इज अ टाइप्स ऑफ रेगुलेटर सिस्टम मीन फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियर। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर देर इज रेगुलेट द स्टेप ऑफ थर्मो रेगुलेशन इन अ ह्यूमन एज अ डिस्क्राइब अबव कैन बी अ कंसिडर्ड अंडर टू हेडिंग इज अ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर। देर इज अ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन मीन चेंज इन द ब्लड सर्कुलेशन लाइक अ वैसोडिलेशंस आर देयर, वैसो कॉन्ट्रैक्शंस एंड स्वीटिंग्स आर नॉट स्वीटिंग्स इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग इन अ सेल मेटाबॉलिज्म एंड सेवरिंग एक्सेट्रा, ऑल दिस एडजस्टमेंट आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ विल एंड द बिहेवियरल रेगुलेशन मीन इट इज इंक्लूड टू कॉन्शियस ऑफ सबकॉन्शियस एक्ट फॉर एग्जाम्पल वेल इट इज अ हॉट वेन ऑफन। This is when it is a hot we often means a fan absorb and to promote evaporation to the sweat and second move to any shaded or cool place.
स्ट्रेच आउट ऑफ लिम्स विल द रेस्टिंग इन अ बेड एंड वेन इट्स कॉल्ड वी द मूव टू द वॉर्म प्लेस ओपन सनशाइन एंड द फ्रंट ऑफ हीट रेडिएटर एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ कॉल्ड विंड्स क्लोज टू द विंडो एंड द वॉर्म अवर सेल्फ इन साइड द ब्लैंकेट टू कट डाउन टू हीट रेडिएशन एंड ऑल्सो इज अ फोल्ड बोथ आर्म आर बोथ आर्म arms or the legs tightly close to the body to reduce radiation for heat from their body. तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि शरीर क्रियात्मक नियमन और व्यवहार मूलक नियमन। देखिए शरीर क्रियात्मक नियमन और रुधिर परिसंचरण में होने वाली परिवर्तन जैसे वाहिकाएँ विस्फोरण और वाहिका संकीर्ण संवेदन और संवेदन न होना, कहते हैं कोशिका उपचार में वृद्धि या कमी जो है कपकपी आदि, ये सभी जो है समायोजन हमारी इच्छा शक्ति के अधीन नहीं होती है क्योंकि हम अपने चाह के कपकपी नहीं करते हैं। हमारे शरीर में जितने भी रेगुलेशन होती है उन बातों पर जो है यहाँ पर सारी बातें रखी जाती है और सारे बातें जो है यहाँ पर कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। यानी आप जानबूझ के कपकपी नहीं कर सकते जब तक हमारी जो है शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है। अब जानबूझ के जो है अपने पसीने नहीं निकाल सकते, ठीक है, हमारे जब तक शरीर क्रिया नहीं करती है तब तक ये सारे कार्य होना संभव ही नहीं होती है। इसलिए हम इसको दो भागों में बांटे हैं, शरीर क्रिया नियमन और व्यवहार मूलक नियम, यानी जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पर व्यवहार मूलक नियम आता है, कहते हैं इसकी अंतर्गत चेतना और अचेत दोनों ही कार्य क्रिया करती है। उदाहरण के लिए गर्मी होने पर हम क्या करते हैं, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं पसीना को वर्षण को बढ़ावा देने के लिए। किसी छायादार अथवा ठंडा जगह चले जाते हैं, बिस्तर पर आराम करते समय हाथ पैरों को फैला लेते हैं जिससे कि हमें महसूस हो ठंडा। और वही सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में इसके विपरीत होता है, गर्म स्थान पर चले जाते हैं खुले धूप में या फिर रूम हीटर में, उष्ण विकिरणों के सामने चले जाते हैं, सर्द हवाओं के भीतर आना रोक देते हैं और खिड़कियां बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं, ठीक है, कंबल लपेट लेते हैं और ताप विकिरण को रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ पैरों के शरीर के साथ सटाते हुए सिकोड़ जाते हैं और हम वी शेप में बन जाते हैं, मीन्स कि आप अपने आप को कर्व शेप में बना लेते हो। तो ये सब ताप विकिरण को रोकने के लिए ऐसा सारी प्रक्रिया होती है। अब ये सारे प्रक्रिया कितना महत्वपूर्ण और कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप भली भांति समझ सकती हो। दावर नेक्स्ट टॉपिक इज फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फ्रेंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हेयर द फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। देयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द फीडबैक इन द लिविंग सिस्टम आर टू टाइप्स, नेगेटिव टू रिसीव अ कंडीशन एंड पॉजिटिव टू द कंटिन्यू इन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर इन द थर्मोरेगुलेशन द काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इज ऑफ द नेगेटिव टाइप्स। एनी डेविएशन फॉर द सेट पॉइंट हैज टू बी रिवर्स टू वेरिंग इट्स बैक टू देयर नॉर्मल कंडीशन। दिस हियर इम्पॉर्टेंट थिंग, एनी deviations from their set point have to be resolved to bearing to your back to your normal condition. Therefore, a command has to be given to the organs and concern their function of the manner. And so that is the devolution is the correctly and both your back to be a normal state. There is the most important things for here. There is important for a positively feedback is very rare in the living system. The positive feedback is very rare in the living system. One such example that of the coagulation of blood. The coagulation of blood is the most important in human beings. This process includes several steps in sensations. The first feedback does not be received there a set point. So it is not a negative feedback. Means it is not a negative feedback. That instead it is a produce the next, the third, and so on. The entire list on completing this process by their plugging, they are cut the blood vessels. All the feedback mechanism is a blood coagulation are not be positive type. दोस्तों यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, ठीक है, जो कि आखिरी टॉपिक है, पुण्य धारण क्रियाविधि। देखिए पुण्यभरण जो है क्रियाविधि ये अपने जगह पे बहुत विशेष स्थान रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नकारात्मक और सकारात्मक यहाँ पर बात कही गई है। देखिए दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दो ऐसी चीज है जिस पे हर एक जो है जीवन आधारित होती है, ठीक है। देखिए जैसे कि बात अगर हम अपना त्रिपान से सेंटर का ही लेते हैं, कहते हैं बहुत से बच्चे जो है मुझे पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं और बहुत से बच्चे जो है नेगेटिव इफेक्ट भी दे रहे हैं। देखिए त्रिपान स्टडी सेंटर का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो पॉजिटिवली लेके चलता है, ठीक है। चाहे मैं आपको यहाँ पर जो है
किताबों के वर्डिंग बोल रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, आपको यहाँ समझने से मतलब है। क्योंकि कहते हैं कभी कभी सुना सुनाया बात भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव में ले रहे हो तो ये आपका गलत फहमी है, क्योंकि समझाने का तरीका यही होती है। मैंने बीए वाले बच्चों को भी समझाया है तो उन्होंने भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया है मुझे। लेकिन कहते हैं बहुत से बच्चे जो है आधुनिक काल के जो है गए हुए हैं, उनको काफ़ी बातें जो है समझ नहीं जल्दी आती है। दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है। इंग्लिश की वर्ड इसलिए होती है क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको इंग्लिश के वर्ड का ही पता होना ज़रूरी है। और कहते हैं समझ के लिए आपको हिंदी में होती है, क्योंकि अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश में आपको नोट डाउन करने के लिए मिलता है कि कुछ वर्ड जो होते हैं इंपॉर्टेंट वो आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सको, ठीक है। और जो हिंदी में बताई जाती है वो आपको समझाने के लिए होता है। कहते हैं भाषा वह साधन होती है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं या अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं। तो यहाँ यही मतलब होता है। अगर आप वो टॉपिक को अच्छे से आपके दिमाग में पड़ गया है तो आप चाहे उसको हिंदी में लिखो, उर्दू में लिखो, इंग्लिश में लिखो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखो, आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुका है इसका मतलब। और वही आपको समझ इंग्लिश में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपको पढ़ने ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मैडम बोल रही होती है, अपना कंसेप्ट समझा रही होती है, कुछ बच्चे मोबाइल चला रहे होते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ बच्चे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत से टर्म होते हैं साइंस के जिसको समझना सभी बच्चों के लिए संभव नहीं होता है और सभी बच्चे समझ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जो त्रिपाण एसी सेंटर क्योंकि बच्चों की हेल्प के लिए है तो इसीलिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि मुझे पता है कि भारत में जो है मैक्सिमम लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं और इनको उनको जो है थोड़ा इंग्लिश कमी रहती है। क्योंकि जो बातें कहते हैं ना, जो बात आपको अच्छे समझ में आ जाता है वही लैंग्वेज जो है आपके लिए अच्छा है और वही आपके लिए कल्याणकारी भी है। तो मैंने कहा ना कि बहुत से बच्चे के जो है मुझे सकारात्मक जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और बच्चे भी कह रहे कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं मुझे कमेंट भी कर रहे होते हैं कि आप तो सिर्फ पढ़ रहे होते हो। दोस्तों मुझे लगता है कि वो बच्चों ने पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, वो इंग्लिश के पाठ देख लेते हैं और हिंदी के पाठ को नहीं देख पाते हैं। क्योंकि मुझे पता है जैसे आप ऑन करते हो आपको इंग्लिश में आ जाती है तो आप सोचते हो कि शायद इसमें इंग्लिश ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बताई जाती है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बोल देता हूँ कि ये जो है हिंदी इंग्लिश के दोनों डोज आपको मिलेंगे, तो मिलेंगे क्योंकि हम सच हैं और जो मैंने बोला है वही हम करते भी हैं। तो इसलिए जो है कभी भी वीडियो देखिए, पूरा देखिए, और ये बात का इंस्ट्रक्शन भी मैं देता हूँ कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी खतरनाक होता है और ये बच्चे समझते नहीं हैं। अधूरा चीज़ें दोस्तों मैं कभी भी कहूँ, चाहे जिंदगी में भी आप अजमा के देखना, वो हमेशा खतरनाक होता है, तो खतरनाक ही होता है। क्योंकि कहते हैं नेगेटिव थॉट ही आती है आपको, अधूरा चीज़ रहेगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई हुआ इसमें क्या। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखता है। कहते हैं यही बात यहाँ पर आ जाता है पुंदीभरण क्रिया विधि में, ठीक है, कि सकारात्मक और जो है नकारात्मक पहलू क्या है। आप कहते हैं सजीव तंत्रों में पुंदीभरण यानी फीडबैक, पुनर्भरण का मतलब दोस्तों होता है फीडबैक, दो प्रकार का होता है। किसी स्थिति को परिवर्तन करने के लिए नकारात्मक हो रहे परिवर्तन की दशा को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक पहलू लाना। देखिए अगर कोई नेगेटिव अप्रोच दे रहा है, मान लीजिए आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया है इस लिंक को और कोई नहीं देखता है, या मुझे तो पता है कि देखना तो होगा ही क्योंकि मुझे पता है कि जो ज्ञान की चीज़ें होती लोग थोड़ा थोड़ा ज़रूर देखते हैं। तो इससे क्या होता है, बेशकली कोई भी परिवर्तन हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आपने अच्छा काम किया है, एक सराहने वाला काम किया है। तो यहाँ पर भी हमारा शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं नकारात्मक हो रहे होते हैं परिवर्तन की दिशा को आगे बढ़ाने के लिए, वो सकारात्मक जो है पॉजिटिव रिस्पांस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ ताप नियमन में काम करने वाली पुंदीभरण क्रिया विधि जो है नकारात्मक नेगेटिव किस्म की होती है, यानी यहाँ पर जो प्रभाव डालती है दोस्तों वो नेगेटिव किस्म का डालता है। क्यों? क्योंकि पुंदीभरण यानी फीडबैक क्रिया विधि में ये नकारात्मक जो है किस्म की होती है और सामान्य बिंदु से होने वाली जो विचलन को फिर से सामान्य स्थिति में लाना होता है, क्योंकि जो विचलन हो जाती है यानी जो प्रभावित हो चुकी होती है उसको सामान्य स्थिति में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्यों जाते हो?
क्योंकि वो आपको दवाई दे के शरीर को जो है सामान्य कंडीशन में ला दे। क्योंकि अगर आप देखिए कहते हैं ना, अगर ह्यूमन सिस्टम तगड़ा है तो हमारा शरीर जो है स्वयं ही सक्षम है अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। अगर आप इसका एग्जांपल नहीं समझ सकते हो ना, तो सिंपल सी बात एक ही है कि अगर आप जीव जंतु को देखते होगे तो क्या जीव जंतु को कोई डॉक्टर होता है? क्या पक्षियों को कोई डॉक्टर होता है? फिर भी ये अपने समय अवधि जितना उनका जीवन होता है वो जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण यही होता है कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से कर रहे हैं। जीव जंतु जो है अभी तक अपना जो है कंडीशन नहीं चेंज किया है उन्होंने, वो आज घोंसला ही बना के रह रहे हैं। बेसिकली इंसानों ने उनको पकड़ के पिंजरों में बंद कर दिया हो वो बात अलग है, लेकिन जीव जंतु जो है आज़ाद रहना ही पसंद करते हैं, मुक्ति के गान ही गाना चाहते हैं। तो वो जो है पेड़ पौधों पर ही रहना चाहते हैं और उसी वैसे ही जीव जंतु को जो है खाते हैं, वैसे ही अपना आड़ जो है जीवन क्रिया करते हैं। तो भी जो है उन पर जो है ह्यूमन सिस्टम अच्छा कार्य कर रहा होता है और उनको जो है इतना बीमार वो लोग अधिक नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो यही बात हम इंसानों में भी आती है। अगर इंसान सही रूल रेगुलेशन से अपना जीवन का निर्वाह करे, अपने जीवन का सही रूल रेगुलेशन चलाए, तो हो सकता है कि जहाँ नेगेटिव हम पे प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर हमारा बॉडी ही पॉजिटिव प्रभाव करके हमें जो है सही रेगुलेशन करा सके। मैंने बहुत से साधु संत को भी आप देखते होंगे, वो कभी जो है दवाई अधिक नहीं खाना पसंद करते हैं। रीज़न बींग्स यही होता है कि उनका जीवन जो होता है एक अलग किस्म का होता है, योग रूप में होती है। वो सारे कुछ जो है अपने सुचारू समय और समय काल की अवधि के दौरान ही करते हैं, यानी उनका सब समय फिक्स होता है। लेकिन आज हम जो है भागम भाग दुनिया में सही समय पे हम कोई कार्य करने के लिए सक्षम ही नहीं है। ठीक है, हम आज काम कल पे, कल के काम परसों पे छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। तो यही बात यहाँ है कि विचलन से फिर सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है, इसलिए संबंधित अंगों का आदेश देना होता है ताकि वह इस प्रकार कार्य करे कि विचलन यथातथ हो जाए और अपनी सामान्य स्थिति में फिर से वो आ जाए। सभी तंत्रों में सकारात्मक इन पॉजिटिव पुनर्धारण कम होता है और सकारात्मक पुनर्धारण एक उदाहरण रुधिर का जो है संकर्दन यानी रुधिर का जमना, ठीक है, कंजुगुलेशन को होना दोस्तों, क्योंकि इसी कारण से जो है रुधिर संकर्दन होती है, जमता है। इस प्रक्रिया में अनेक चरण एक के बाद एक निश्चित क्रम में होते रहते हैं। पहला पुनर्धारण सामान्य बिंदु को दोबारा प्रचलित नहीं कर पाता है, कहते हैं इसीलिए यह नकारात्मक पुण्यभरण नहीं होता है, बल्कि यह अगले चरण और उसके अगले चरण और इसी प्रकार आगे भी जब तक कि अंतिम चरण लागू होकर रुधिर वाहिका में लगा घाव बंद नहीं होता है, ये क्रिया होती है, तभी जो है हमारा ब्लड जो है संकर्दन हो जाती है यानी जम जाती है। तो ये भी जो है एक विशिष्ट कार्य होती है, क्योंकि रुधिर संकर्दन में होने वाली सभी पुनर्भरण क्रिया विधि सकारात्मक सम की ही होती है। तो इस प्रकार जो है सारा पॉजिटिव और जो है नेगेटिव का हमारे शरीर में खेल है। देखिए दोस्तों, अगर आप सही रूप में अपना शरीर को अगर हमेशा अच्छा रखना चाहते हो तो आपको रूल रेगुलेशन को ही फॉलो करके आगे जीवन यापन करने की आवश्यकता है। इससे इंसानों की आयु तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस आपके शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करने में भी सक्षम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अजमा के देखना, ऐसा 100% होगा, क्योंकि हमारे शरीर जो है प्राकृतिक रूल रेगुलेशन को ही मानता है। बेसिकली हम आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने पीने में आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ने क्या किया है कि पहले समय में मसाले हुआ करते थे, आज हम तरह तरह की चीज़ जो है केमिकल से भरा भरा चीज़ खा रहे हैं। तो आपके शरीर के ह्यूमन सिस्टम किस प्रकार कार्य करेगा? नहीं करेगा, जनरल सी बात है, क्योंकि आप जो केमिकल का इस्तेमाल अधिक से अधिक कर रहे हो, आप केमिकल खा रहे हो, जबकि खाना खाना चाहिए आपको तो केमिकल के रूप में स्वाद तिक्खा। आज मिर्ची की जगह आप क्या करते हो, जो सॉस होती है जिसमें केमिकल ठूस ठूस के भरा हुआ होता है, वो बड़े चाव से खाते हो, ठीक है, वही जो होता है आपका जो तरह तरह के चीज़ें बाजार में तल रहे होते हैं उसमें तरह तरह के मसाले डाल देते हैं जो कि केमिकल से बना होता है और उसको बहुत ही आप मज़े से खाते हो। दोस्तों, इसमें 100% केमिकल डाला ही होता है, चाहे आप कहते हैं ना आँख बंद करके क्यों ना खाओ, उसमें केमिकल ही है, ठीक है, चाहे जितना मर्जी आप अपने आप को दिमाग को समझा लो कि इसमें केमिकल नहीं है, लेकिन वो केमिकल ही है और केमिकल हमारे ऑर्गन को नष्ट तहस नहस कर रहे हैं और ये हमारे लिए आगे जीवन यापन करने के लिए सुचारू नहीं रहेगा। बेशकली आप अभी मज़े से कर रहे हो, लेकिन आपको पता है एक उम्र आएगा जहाँ पर आपके बॉडी के ऑर्गन्स काम करने धीरे धीरे बंद करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि शायद हमने जवानी में कोई गलती कर गए जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बातें जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको आपको समझना भी चाहिए और विचार करने की आवश्यकता भी है। तो इसी के साथ जो हमारा जो 18 चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है बायोलॉजी का।
अब जो है हम 19 चैप्टर पे मिलेंगे, जिसमें जो है हम बहुत बातों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हमारे बॉडी के और क्या प्रोसेसिंग है और उसमें क्या क्या और होती है। तो आप अगले चैप्टर जरूर देखना, अगले जो चैप्टर जो होगा 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है।